हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाई है यह ड्राई फ्रूट्स की खीर। इस खीर को फ्रेंड्स आप व्रत में भी बनाकर खा सकते हो। जैसे कि अभी नवरात्रि आने वाली है, अपन 9 दिन के व्रत रखते हैं, तो प्रसाद के लिए भी अपन को रोज कुछ ना कुछ मीठा बनाना रहता है। तो एक दिन आप यह ड्राई फ्रूट्स की खीर ट्राई करें, सभी को बहुत पसंद आएगी। आप इसका टेक्सचर देख रहे हैं, कितना यमी लग रहा है, और इसमें हमने चावल का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है। जो एकादशी का व्रत रखते हैं तो उस व्रत में भी चावल नहीं खाते, तो उसके लिए आप इस तरह ड्राई फ्रूट्स की खीर भी बना सकते हो, और इसका टेस्ट बिल्कुल रबड़ी जैसा लगता है। आप इसे ठंडी ठंडी सर्व करें, अगर आपके घर में कोई भी गेस्ट आता है उन्हें खिलाएं तो सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए और लास्ट तक देखिए, जिससे क्या है आप भी परफेक्ट या ड्राई फ्रूट्स की खीर बना पाए। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको यह ड्राई फ्रूट्स की खीर कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिए। तो चलिए फ्रेंड रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, खीर बनाने के लिए हमें सबसे पहले दूध चाहिए, तो जिसके लिए मैंने यह 3 किलो दूध लिया है। मेरे घर में यह अमूल का फुल फैट वाला दूध आता है, तो मैंने इसका यूज किया है। आपके घर में जो भी आता है उसका यूज कर सकते हो, बट क्या है, फुल फैट वाला दूध हुआ तो खीर का जो टेस्ट है और भी अच्छा आता है। तो मेरी इस कढ़ाई में क्या है, 2.5 किलो ही दूध आया था, तो मैंने 1/2 किलो बचा लिया है। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई है इससे, तो आप पूरे 3 किलो की भी बना सकते हो। अब इस खीर में हमें अच्छा सा उबाल लेना है, तो आप फ्लेम को फुल कीजिएगा और इसमें उबाल ले लीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूध में उबाल आ चुका है। अब बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे हमें उबालना है 5 से 10 मिनट के लिए, जिससे क्या है, जो दूध है हल्का सा गाढ़ा हो जाए। जब तक कि यह दूध 1/4 कम ना हो जाए, इतना ही इसे हमें उबालना है, और बीच बीच में चलाते रहना है, और साइड से जो मलाई आई है उसे स्पैचुला से इस तरह से स्क्रैप करके वापस से दूध में मिक्स कर लेना है। इससे क्या है, दूध जो है और भी अच्छा गाढ़ा दिखता है, और बीच बीच में चलाते रहना है, जिससे क्या है, दूध कढ़ाई से ना निकले। तो मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे उबालूंगी, क्योंकि कढ़ाई बिल्कुल फुल है तो बाहर निकलने का डर रहेगा। अगर आपके बर्तन में थोड़ा गैप है तो आप मीडियम फ्लेम भी कर सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट मैंने इसे बॉईल किया, और आप देख रहे हो दूध जो है पहले से कम हो गया है, और जो मलाई आई थी उसे मैं साथ ही साथ स्पैचुला से क्रच कर इस तरह दूध में ऐड कर रही हूँ। तो आपको लग रहा है 1/4 यह दूध कम हो चुका है, इतना इसे हमें उबालना है। अब इसमें मैं 1 कप यह मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ, और मिल्क पाउडर क्या है, व्रत में भी अपन खा सकते हैं, ऐसी कोई इसमें चीज़ नहीं ऐड होती है जिससे क्या है, इसे हम व्रत में ना खा सकें। तो अगर आप व्रत में खाते हो तो डाल सकते हो, इससे क्या है थोड़ा अच्छा टेस्ट होगा, और दूध में थोड़ी रिचनेस आएगी, और जल्दी से भी गाढ़ा हो जाएगा, इसे हमें ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस मिल्क पाउडर को हमें चलाते हुए मिक्स करना है, जिससे इसमें गुठलियाँ ना पड़े। फिर भी आप देख रहे हो दूध में गुठलियाँ पड़ गई हैं, तो उसकी भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ का सोल्यूशन रहता है, तो इसका भी मेरे पास सोल्यूशन है, तो वह मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम इस गुठलियों को रिमूव करेंगे। उससे पहले इसमें थोड़े से फ्लेवर डाल देते हैं, जिसके लिए मैंने कुछ केसर के धागे डाले हैं। इससे क्या है, कलर भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। 1 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। इसमें से आप जो भी चीज़ नहीं खाते हो स्किप कर सकते हो। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर भी आप देख रहे हो जो मिल्क पाउडर की गुठलियाँ हैं रिमूव नहीं होती हैं, तो चलिए मैं उसका सोल्यूशन आपको इस स्टेज पर बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो हैंड ब्लेंडर है सभी के घर में रहता है इस तरीके का, इससे यूज करके हम मिल्क पाउडर की गुठलियों को रिमूव करेंगे। उससे पहले फ्लेम को हम बंद कर देंगे। जब मशीन चलाएंगे तो ब्लेंडर को आपको फ्रेंड्स पल्स मोड पर चलाना है, यानी कि आपको 1-2 सेकंड के लिए चलाना है, फिर बंद करना है, फिर 1-2 सेकंड के लिए चलाना है, फिर बंद कर देना है। अगर आपने एक साथ या ज़्यादा देर के लिए मशीन चला दी, जो दूध है कढ़ाई से बाहर गिरेगा, और बस हमें यह जो प्रोसेस है रिमूव गुठलियाँ के होने तक करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। और अगर आपको गुठलियाँ रिमूव करनी है इसी स्टेज पर करनी है, अगर हमने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए उसके बाद यह मशीन इसमें यूज़ नहीं करनी है, जिससे क्या है ड्राई फ्रूट्स भी पिस जाएंगे, इसलिए आपको इसी स्टेज पर इस मशीन का यूज़ करना है।
तो फ्रेंड्स मिल्क पाउडर की जो गुठलियाँ हैं पूरी रिमूव हो चुकी हैं, तो फ्लेम को हम ऑन करेंगे और मीडियम लो फ्लेम पर इस दूध को हमें फिर से 10 मिनट के लिए बॉईल करना है, जिससे कि यह 1/4 दूध और फिर से जल जाए, यानी कि दूध कम हो जाए, और बीच बीच में चलाते रहना और साइड से जो मलाई है उसे खुरच कर फिर से दूध में ही ऐड करना है। तो 10 मिनट दूध को मैंने और उबाला है, आप देख रहे हो इसमें केसर के कारण काफ़ी अच्छा कलर आ गया है। अगर आपको और येल्लो चाहिए तो आप इसमें लेमन येल्लो फूड कलर डाल सकते हो, उससे और अच्छा कलर आ जाएगा। अब इसमें हम यह ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने बादाम और काजू को बारीक चॉप कर लिया है, वह डालेंगे, और जो ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी है आप अपने हिसाब से रख सकते हो, आपको जितने ड्राई फ्रूट्स डालने हैं दूध में उस हिसाब से डालिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या है किसी को कम ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं तो कम डाल सकते हो, या इसी टेस्ट पर आप इसमें थोड़े से चावल भी ऐड कर सकते हो। तो मेरे को थोड़े काजू बादाम कम लगे तो मैंने और डाल दिए हैं, क्योंकि मेरे घर में काजू बादाम सभी को बहुत ही पसंद है, यानी कि ड्राई फ्रूट्स तो बहुत ही मन से खाते हैं, इसलिए अब ड्राई फ्रूट्स डालने तक इसे हमें 5 मिनट के लिए और पकाना है, जिससे क्या है जो ड्राई फ्रूट्स हैं हल्के से सॉफ्ट हो जाए, और बीच बीच में चलाते रहना है जिससे खीर जो है कढ़ाई से ना लगे। तो फ्रेंड्स 5 मिनट इसे मैंने फिर से पका लिया है, तो जो ड्राई फ्रूट्स हैं हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं, और दूध की क्वांटिटी आप देख रहे हो फ्रेंड्स लगभग आधा किलो दूध कम हो चुका है। अब इसमें मीठा डालेंगे, तो मैंने यह 2/3 कप लिया है, तो पहले 1 कप हम यह डाल देंगे और उसके बाद 2 टेबल स्पून और चीनी डाल देंगे। तो फ्रेंड चीनी यहाँ आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, क्योंकि मिल्क पाउडर भी जो है मीठा रहता है, तो क्या है जो कम खाते हैं कम डालिएगा। अब इसमें हम 1/4 कप यह किशमिश डालेंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम लो फ्लेम पर ही इसे हमें 7 से 8 मिनट के लिए पकाना है, जिससे क्या है चीनी से जो खीर में पनीलापन सा आ जाएगा वह पूरी तरह से चला जाएगा और खीर हमारी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो फ्रेंड्स इस समय इफ्तार चल रहा है, तो उसमें भी आप यह खीर बनाकर खा सकते हो। और आपको फ्रेंड चावल की खीर की रेसिपी चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, जाकर जरूर देखें। और फ्रेंड्स आपको यह खीर की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके भी बताएं कि आपको यह खीर कैसी लगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसे मैंने 7 से 8 मिनट और पका लिया है, तो जो खीर का टेक्सचर है बिल्कुल रबड़ी जैसा है, और बिना फूड कलर के भी इसका जो कलर है बिल्कुल परफेक्ट आया है। अब लास्ट में इसमें हम थोड़े से मखाने डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को साथ ही साथ बंद कर देंगे। और फ्रेंड जो खीर है आप इतनी ही पतली रखिएगा, क्योंकि इसे हम अभी ठंडा करने के लिए फ्रिज में भी रखेंगे, तो ठंडी करने के बाद यह खीर और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए अब इसे सर्व करेंगे, और खीर के ऊपर हम थोड़े से बारीक चॉप किए हुए पिस्ता काजू बादाम से डेकोरेट करेंगे, थोड़े से केसर के धागे भी रखेंगे और रोज पेटल रखेंगे, जिससे क्या है खीर भी देखने में और भी अच्छी लगेगी। प्रेजेंटेशन अगर अच्छा हुआ तो खीर तो देखने में वैसे ही अच्छी लगती है और टेस्ट में तो और भी अच्छी है। और फ्रेंड्स अगर आप बिना मिल्क पाउडर के बनाते हैं तो इसे बहुत ही पकाना पड़ेगा, तब जाके इसका जो टेक्सचर है इतना आएगा। तो आप इसमें मिल्क पाउडर भी जरूर डालिएगा, व्रत में वैसे तो मिल्क पाउडर खा सकते हैं। और फ्रेंड्स इसे हम फ्रीज में रखेंगे ठंडा करने के बाद, उसके बाद ही इसे हम सर्व करेंगे। ठंडी यह खीर ज़्यादा अच्छी लगेगी, वैसे तो आप गर्म भी खा सकते हो, जो ठंडी करके खीर का टेस्ट है बिल्कुल रबड़ी जैसा हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके भी बताएं अगर आप अपने घर में बना रहे हो तो कैसी बनी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय एंड टेक केयर।